हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। आज की इस वीडियो में आपको मैं दिखाने जा रहा हूं अपने बालों को फैशन शेड कैसे करें। और ये मैं इसमें जो कलर करने जा रहा हूं ये मिस्टी ब्लू हेयर कलर है, और इसको हम किस तरीके से करेंगे इस वीडियो में जानेंगे डिटेल के साथ में। पूरी डिटेल सुनने के लिए आप तैयार रहिएगा। मैं आपको दिखा रहा हूं, ये जो मेरे हाथ में पैच है इसका जो कलर है एकदम नेचुरल ब्राउन कलर है, और नेचुरल ब्राउन कलर होने की वजह से हम इसमें करेंगे आज प्री लाइटनिंग। सबसे पहले प्री लाइटनिंग के लिए हमें पहले चाहिए होगा वैला का ब्लॉन्डर। सेकंड नंबर में मेरे पास में आप देख रहे थे ये था मेरे पास में बीबी कोस का 30 वॉल्यूम। और जो मैं ये कलर आपको लोरियल का दिखा रहा हूँ ये कलर मैं आज करने वाला नहीं हूँ, सिर्फ मैंने ऐसे दिखाया। हम ये करेंगे मिस्टी ब्लू जो कलर है ये स्टिक्स का कलर है जो मैं आपके सामने अभी दिखा रहा हूँ आपको। इस कलर को हम प्री लाइटनिंग करेंगे पहले, फिर उसके बाद में इसको प्री लाइटनिंग करने के बाद में आपको डिपॉजिट करके दिखाएंगे कितनी आसानी से आपका कलर आपके क्लाइंट के बालों में आएगा। और सबसे पहले मैं इनके बाल में जो यूज़ करूँगा ये मैंने वैला का ब्लॉन्डर लिया था, और ये ब्लॉन्डर के बाद में अभी सेकंड नंबर में मिले बीबी कॉस का मैं इसमें डेवलपर मिक्स कर रहा हूँ। ये डेवलपर भी बड़ा ही अच्छा है, और इसको भी आप ट्राई करके देख सकते हैं। मैं किसी कंपनी का प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ, ऐड नहीं कर रहा हूँ, ये पर्सनली मैं इन चीज़ों को यूज़ करता हूँ। पिछली वीडियो में मैंने आपको दिखाया कि मैंने स्टिक्स वगैरह यूज़ किया है, और सारी प्रोडक्ट हैं अपनी अपनी जगह अच्छे से काम करते हैं। आपको मिक्सिंग रेशो करना आना चाहिए। जो मैंने अभी इसमें ब्लॉन्डर मिक्स किया है इसका मिक्सिंग रेशो जो मैंने अभी मिक्स किया है ये 1:1 का रेशो है। जितना डेवलपर इतना ही हमारा ब्लॉन्डर रहेगा। इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्सिंग करना है। जितना अच्छे से आप पेस्ट को मिक्सिंग करेंगे आपका जो क्लाइंट को कलर मिलेगा वो बड़ा ही शानदार आएगा, क्योंकि जब तक प्री लाइटनिंग का मिक्सिंग आप अच्छे से नहीं करेंगे, उसको अच्छे से मिक्सिंग करके नहीं बनाएंगे, तो शायद हो सकता है कि आपकी प्री लाइटनिंग आपके क्लाइंट को 100% ना मिले। तो मैं अभी जो प्री लाइटनिंग का रोश है मेरा 1:1 का रश मैंने इसमें रखा है, और मैं अभी इस पैच के ऊपर इसको अप्लाई करने जा रहा हूँ। सेम इस डिटो तरीके से आप इसको मिक्सिंग करें बनाएं, और इसमें जैसे मैं अप्लाई कर रहा हूँ इसी तरीके से आप भी अप्लाई करें। अभी ये डेमो है इसलिए मैंने बिल्कुल अपने सोफे के ऊपर रखकर आपको बिल्कुल प्रॉपर तरीके से दिखाने की समझाने की कोशिश की है। आप फॉइल पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, मैं इसमें फॉइल पेपर नहीं लगाऊंगा, मैं फ्री हैंड इसको करने जा रहा हूँ। और फ्री हैंड में फ़ायदा होगा कि हमारा क्लाइंट है या हम जो पैच के ऊपर अभी करके दिखा रहे हैं इसमें आपका हेयर्स बिल्कुल भी डैमेज नहीं होगा, क्योंकि हीट के लिए हम परसेंटेज कम रख रहे हैं। अगर ज़्यादा परसेंटेज आपको हीट करके अपने क्लाइंट के हिस्से में करनी है तो उससे क्या होगा कि बाल जल्दी ब्राउन तो हो जाएगा, हो सकता है कि शायद मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बाल थोड़ा ज़्यादा ड्राई हो जाता है। तो ज़्यादा बाल को हमें ड्राई नहीं करना है, अच्छे से प्री लाइटनिंग का रेशो बनाना है, बहुत अच्छे से इसको मिक्सिंग रेशो मैंने आपको बताया कि करना है, तभी आप उसको उसके ऊपर डिपॉजिट करेंगे। हमें इसके ऊपर स्टेप बाई स्टेप आपको दिखा दिया है कि मैंने किस तरीके से इसमें प्री लाइटनर अप्लाई किया है। जैसे मैंने आपके सामने ये करके दिखाया है आप भी ऐसे ही ट्राई करें, आपको भी आ जाएगा। और ये वीडियो बिल्कुल मैं बनाता हूँ बिगिनर्स के लिए, क्योंकि देखो भाई आर्टिस्ट को सबको कुछ ना कुछ करना आता है, वो सीखते हैं। बिगिनर्स क्या है कि कई बार वो यूट्यूब के माध्यम से ही सीखना चाहते हैं, तो हम कोशिश करते हैं, मैं हमेशा ये कोशिश करता हूँ कि मैं अपनी तरफ से अच्छा सिखाने की कोशिश करूँ। अगर आपको लगता है कि मेरी वीडियोज़ अच्छी हैं और आपको हेल्पफुल हैं, आपको समझ में आती हैं, तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये मेहनत मैं आप सभी के लिए कर रहा हूँ। मैंने भी एक टाइम पे मेहनत की है, तो आप भी मेहनत कीजिएगा। देखिए अगर आप एक अच्छे टीचर से सीखना चाहते हैं, बहुत सारे टीचर्स हैं अच्छे अच्छे यूट्यूब में, और वैसे भी आप सलून में जॉब करते हैं वहाँ पे भी बहुत सारे टीचर्स मिल जाएंगे, लेकिन होता ये है कि समझाने का और समझने का तरीका आपको आना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है। तो इस डिटेल के साथ में इस वीडियो को आप देखते रहिएगा। आगे और भी मैं आपको डिटेल देने जा रहा हूँ, इसलिए मेरी वीडियो में बने रहिएगा। मैं थोड़ा सा इसमें म्यूजिक ऐड करता हूँ, इसको एंजॉय कीजिएगा। We'll be right back.
फिर से मैं गाइस लौट आया हूँ मैं आपको आगे की डिटेल बताने के लिए। देखिए अगर आपको लगाए हुए 30-40 मिनट्स हो गए हैं तो आप बीच में 20 मिनट के बाद भी हल्का सा ड्रायर से हीट कर सकते हैं। उससे ये होगा कि आपका कलर जो आपने पी लाइटनिंग किया है वो पी लाइटनिंग आपका हीटिंग करने की वजह से अच्छे से आपके क्लाइंट के हेयर्स में या जो भी आप डेमो पे ट्राई कर रहे हैं उसमें आपका कलर हीटिंग की वजह से अच्छे से आ जाएगा। मतलब पी लाइटनर आपका हीट की वजह से अच्छे से काम करने लगेगा। तो इन बातों का हमेशा ध्यान रखें, छोटी छोटी बातें हमेशा ही आपको काम आएंगी, आपके काम आना भी ज़रूरी है क्योंकि जब तक आप प्लेटफॉर्म पे नहीं खड़े होंगे आप वर्क को कर नहीं पाएंगे तो आप कैसे सीखेंगे। सिखाने के लिए हम लोग बैठे ही हैं, बाकी आप और वीडियोज़ को भी देखें, हमें भी देखें और आगे के लिए बिल्कुल एकदम रेडी हो जाइएगा और हमेशा ऐसे ही वीडियो को लाइक करते रहिएगा। तो गाइस अभी हमारा जो पी लाइटनिंग है लगभग कंप्लीट हो चुका है। इसमें हमने ड्रायर का हीट भी कर दिया है और पहले से भी एक जो टाइम नोट किया था हमने इसमें मुझे लगभग 1 आवर के आसपास लगा, 1 घंटे के आसपास इसको पी लाइटनिंग करने में लगा क्योंकि जो ये हेयर पैच है तो ये बिल्कुल ओरिजिनल लेकिन इसमें कुछ थोड़ा सा बाल 20% हेयर्स के आसपास बाल के आसपास इसमें मिक्सिंग है सिंथेटिक तो इसलिए उसको आने में बड़ा थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ क्योंकि ये बिल्कुल ओरिजिनल 100% ओरिजिनल हेयर्स नहीं था लेकिन ये थोड़ा सा पैच की वजह से आप कह सकते हैं वर्जन हेयर्स में ही इसको हम बोलते हैं पैच में जो लगाते हैं। और जितना भी अभी हम जितना भी वर्क करते हैं उसका भी हमेशा आप ख्याल रखें कि भाई आपको जिस जगह पे आप वर्क कर रहे हैं उसको भी नीट एंड क्लीन करें क्योंकि जितना आप नीट एंड क्लीन करेंगे इतना आपके लिए बेटर है। तो लीजिए हमारा पी लाइटनर बिल्कुल रेडी हो चुका है और जो अभी पी लाइटनिंग का जो मेरा लेवल था ये 8 और 9 के बीच का लेवल है क्योंकि इस लेवल में मुझे थोड़ा सा मिस्टी ब्लू के साथ ना हल्का सा ग्रीन टच भी अपने क्लाइंट के हेयर्स में लेके आना था। मतलब अपने जो मैंने आपको जो डेमो दिखाया है मुझे इस हेयर पैच में भी हल्का सा बहुत हल्का सा ग्रीन टच ब्लू के साथ में देना था इसलिए मैंने इसको 9 और 8 के लेवल के आसपास रखा है। तो इस वीडियो में आगे जानेंगे कि आपको किस तरीके से इसमें और ज़्यादा और जो सर्विस है कैसे करनी है। ये मेरा हेयर वॉश हो गया है, मैंने अच्छे से इसको रिंग्स कर दिया है, कोई शैम्पू नहीं किया है। अभी मैं इसको थोड़ा सा टॉवल ड्राई कर लूँगा। टॉवल ड्राई करने से फ़ायदा आपको ये मिलेगा कि भाई आप जब ड्रायर करेंगे तो ड्रायर करने में आपको आसानी होगा और आसानी से जब आप ड्रायर कर पाएंगे तो आपका काम बड़ा ही आसान हो जाएगा। और हमेशा जब भी आप इसको टैंगल फ्री करेंगे तो आपको फ्लैट कॉम ही चाहिए होगा, टैंगल फ्री कॉम इसको भी हम बोलते हैं। और मैं पहले से ही थोड़ा सा इसको ड्राई कर चुका था, अभी सिर्फ आपको थोड़ा आइडिया दे रहा हूँ कि किस तरीके से आप इसमें मीडियम टेम्परेचर पे ड्रायर करके हीट करेंगे। बहुत मीडियम टेम्परेचर रखेंगे, बिल्कुल हाई टेम्परेचर नहीं करना है आपको क्योंकि हमने पहले से ही इसको ऑलरेडी पी लाइटनिंग किया है। पी लाइटनिंग जब जब भी हम अपने क्लाइंट के हेयर्स में करते हैं या कोई भी डेमो की चीज़ में करते हैं
अगर ज़्यादा हीटिंग रहेगा तो बाल ज़्यादा तरीके से क्या होगा कि बर्न हो जाएगा। तो हेयर्स को जलाना नहीं है, हमें हेयर्स में एकदम नीट एंड क्लीन वर्क करना है, इसका आप हमेशा से ख्याल रखें। इसमें अभी आप देख पा रहे होंगे कि बिल्कुल एकदम नेचुरल शाइन आया है, सिर्फ इसमें खाली ब्लॉन्डर किया है, कोई कलर डिपॉजिट नहीं किया है। अगर आप नेचुरल तरीके से ही ब्लॉन्डर करना चाहते हैं और उसको ऐसी तरीके से कलर देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से भी कर सकते हैं, लेकिन मैं मानता हूँ कि तरीका ठीक नहीं, कलर डिपॉजिट करना ही ज़रूरी है। तो चलिए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। ये जो अभी मैं इसमें कलर मैंने आपको बताया मिस्टी ब्लू में आपको कलर सिखा रहा हूँ इसमें करना, ये एक फैशन शेड है और ये कुछ समय के लिए जिस तरीके से मैंने इसमें पीलाइटनिंग किया है उस लेवल के हिसाब से अगर आप पीलाइटनिंग करेंगे तो ये आपका लॉन्ग टाइम थोड़ा सा कलर चलेगा, क्योंकि ये फैशन शेड है, ये बहुत लॉन्ग टाइम नहीं चलते हैं। और जिस तरीके से मैंने आपको बताया इस तरीके से अगर आप यूज़ करने की कोशिश करेंगे, आप एक बार ट्राई करके ज़रूर देखें तो आपको इसको करने में बड़ा ही मज़ा आएगा। और इसमें बहुत सारे शेड्स आते हैं, फैशन शेड जो आते हैं रेड ब्लू सब ग्रीन, बहुत सारे शेड्स हैं इसमें मिस्टी ब्लू कलर में। वैसे सब कंपनियां अपना अलग अलग बनाती हैं, तो मुझे ये थोड़ा सा रीज़नेबल प्राइस लगता है, बहुत ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। तो अगर चीज़ें आपके पास बहुत ज़्यादा कॉस्टली होंगी तो जाहिर सी बात है कि आप क्लाइंट से ज़्यादा पे लेंगे, ज़्यादा मतलब उनका बजट ज़्यादा बन जाएगा। और कई लोग ऐसे हैं कि भाई बहुत ज़्यादा बजट उनका नहीं होता है, बहुत ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते, तो उनके लिए आप नेचुरल तरीके से प्रोफेशनल तरीके से काम करके एक अच्छा रिजल्ट, एक अच्छी सर्विस अपने क्लाइंट को दे सकते हैं। तो ये स्टिक के जो प्रोडक्ट हैं बहुत रिजनेबल प्राइस में हैं, बहुत ज़्यादा महंगे नहीं हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि अगर आपके पास थोड़ा सा लो बजट क्लाइंट है, ज़्यादा पैसा खर्च नहीं करना चाहते और अच्छा वर्क उनको चाहिए, तो आप नीचे के लेवल पे भी आ सकते हैं, क्योंकि लॉरियल वेला स्वैचकॉफ ये एक बड़े ब्रांड हैं और ऐसा नहीं है, स्टिक भी अच्छा ब्रांड है, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ। तो लो बजट और हाई बजट दोनों में ही प्रोफेशनल चीज़ें आती हैं, दोनों का करने का तरीका आपको आना चाहिए, उसके लिए प्रोफेशनल आपको बनना पड़ेगा। और बनने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, आपको चीज़ों को सीखना पड़ेगा। हमने भी बड़ा समय अपना सीखने में दिया है, तो आप भी अगर बिगिनर्स हैं, आपको बहुत ज़्यादा नॉलेज नहीं है, आप भी सीख रहे हैं, तो ये हमारी वीडियोस आप लोगों के लिए बड़ा ही हेल्पफुल होने वाली हैं। और इसको जो मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ इसमें पैच के अंदर मैं मिक्सिंग कर रहा हूँ, जब भी आप क्लाइंट के हेयर्स पे कलर को डिपॉजिट करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से फिंगर से ही उसमें मेल्ट करना है, बहुत अच्छे से मल्सिफाई करना है, जिससे कि एक एक बाल के ऊपर, एक एक हेयर्स के ऊपर आपका कलर आ जाए। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो हो सकता है कि शायद कहीं आपके बालों में पैच आ जाए। तो हमेशा ध्यान रखिए कि पैच कभी भी आपके क्लाइंट के हेयर्स में आए, आपको हमेशा से ही नीट एंड क्लीन काम करना है। चलिए, तो अभी मैं इसमें, अभी मैंने इसको क्या किया है, एक बाउल में पानी लिया है और इसको अच्छे से डिप किया है, क्योंकि नेचुरल तरीके से डिप करने से ये कलर निकल जाता है। और फिर मैंने इसमें वीडियो आपको नहीं दिखाया, मैंने इसको एक बार शैम्पू स्टेशन भी अच्छे से वॉश कर लिया था। अभी हम इसको करने जा रहे हैं, अभी हम इसमें लगाएंगे हेयर सीरम, ये स्टिक्स का ही हेयर सीरम है। हेयर सीरम से क्या होगा कि आपके बाल में शाइन आएगा, शाइन आने की वजह से ही आपका बाल बड़ा ही सुंदर और टिकाऊ रहेगा। क्योंकि देखिए, कलर के बाद में आपको प्रोटेक्शन की चीज़ें ज़रूर चाहिए होती हैं, मैंने पहले भी बताया था आपको, सबसे फर्स्ट शैम्पू, सेकंड नंबर पे मास्क, थर्ड नंबर पे सीरम। इन चीज़ों का जब भी आप कोई केमिकल वर्क कराते हैं तो इन चीज़ों का हमेशा से ख्याल रखें कि भाई आपको किस तरीके से इन पर प्रोटेक्शन करनी है, क्योंकि प्रोटेक्शन करना ही ज़रूरी है। जब आप किसी केमिकल वर्क को कराते हैं तो जाहिर सी बात है आपको होम केयर प्रोडक्ट ज़रूर यूज़ करने हैं, उससे आपके बाल लॉन्ग टाइम के लिए सिल्की शाइनी और आपका जो भी आप सर्विस करा रहे हैं कलर स्मूथनिंग रिमाइंडिंग, वो हमेशा लॉन्ग लास्टिंग आपका बने रहेगा। देखिए, मैंने अभी प्रॉपर तरीके से अपना ड्रायर कंप्लीट कर लिया है, बिल्कुल 100% ड्राई कर दिया है इसको। अभी आप देख रहे होंगे मिस्टी ब्लू कलर का जो मैंने इसमें ब्लू कलर किया है, उसमें ग्रीन और ब्लू हल्का सा टच आ रहा है। और प्रॉपर तरीके से आपको दिखाने के लिए इस वीडियो को मैंने बनाया है, आप फाइनल रिजल्ट देख सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें, और नए नए टॉपिक्स को लेकर मैं आप सभी के लिए वीडियो लेकर आता रहूँगा। अगर आपकी कोई डिमांड है, आपको कोई स्पेशल कुछ पूछना है, आपको जानना है, या कोई नई वीडियो आपके लिए लेकर आनी है, जो बिगिनर्स हैं जिनको नहीं पता कि भाई हमें आगे और क्या क्या चाहिए, वो यूट्यूब वगैरह में या फेसबुक वगैरह इंस्टाग्राम में बहुत सारी सर्विस देखते हैं, तो आप उसकी डिमांड कर सकते हैं। मैं आपके लिए और अच्छे वीडियोस बनाऊंगा और मेहनत करूंगा और सीखूंगा, आप भी हमेशा सीखें, जितना आप सीखेंगे इतना इस लाइन में कम है। क्योंकि देखिए,
चीज़ें अपग्रेड होती हैं, एकदम अपडेट होती हैं, तो हमें भी मार्केट में अपडेट होना बहुत ज़रूरी है। देखिए, अगर आप अपडेट रहेंगे तो जाहिर सी बात है आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं, अच्छी शोहरत कमा सकते हैं, अच्छा नाम कमा सकते हैं। तो मेरी तरह आप भी मेहनत करते रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के दुआ सलाम, अल्लाह हाफिज़।